अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाउ बच्चों, हमारी जो बात चल रही है फोटोसिंथेसिस, ज़ियाई तालीफ के अमल की, तो ज़ियाई तालीफ के अमल में हमने इससे पहले जो हमारे वीडियोस है उसमें क्या देखा, उसमें हमने देखा C3 पाथवे जिसको कैल्विन पाथवे बोला जाता है, C4 पाथवे जिसको हैच स्लैक पाथवे भी बोला जाता है। अब हम आज तीसरा एक और पाथवे है उसको बोला जाता है फोटोस्पिरेशन, या कुछ जगह पर उसको C2 पाथवे भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? C2 पाथवे भी बोला जाता है। क्यों इसको C2 पाथवे बोलते हैं हम आगे देखें, ठीक है? तो कुछ जगह पर इस पाथवे को C2 पाथवे भी बोला जाता है, लेकिन आमतौर पे इसको जिस नाम से हम यहां पढ़ने वाले हैं वो है फोटो रेस्पिरेशन। देखिए, अभी तक हम जो लफ्ज पढ़ रहे थे ना, वो क्या पढ़ रहे थे हम फोटो सिंथेसिस। क्या पढ़ रहे थे हम? फोटो सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या था? रोशनी की मौजूदगी में कुछ बनाना है। अब उसका पूरा अपोजिट पढ़ रहे हैं हम, फोटो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है टूटना। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर क्या टूटता है? गिजा, जो हम खाते हैं वो टूटता है, उसकी वजह से हमको क्या मिलती है? एनर्जी, ATP। तो उस अमल को क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन। अभी जब अभी अगर आप लोगों ने जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, सांस लेना और सांस छोड़ना, ये जो अमल है, अगर इसको देखेंगे तो उसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने ये बात बताया कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन को अंदर ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाना, ये हमारे जिस्म में होता है। इनके पास वो उल्टा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले आ रहे हैं, ऑक्सीजन, उस दौरान में यहाँ पर अमल होता है टूटने का। अब वो कैसा होता है, क्या होता है, हम उसको अभी देखने वाले, ठीक है? तो दो अमल है, एक अभी तक हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस, अचानक में नया वर्ड आ गया, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। इसलिए कान खोल के समझना कि हम बात कर रहे हैं फोटो रेस्पिरेशन की, फोटो सिंथेसिस की बात नहीं कर रहे अभी हम, किसकी बात कर रहे हैं? फोटो रेस्पिरेशन। और उसी को हम उर्दू में क्या करें? ज़ियाई तनफ्फुस। नाउ अब अगर थोड़ा सा हम इस अमल के ऊपर गौर करते हैं जिसको ज़ियाई तनफ्फुस कहते हैं, तो C3 और C4 पौधों में तफरीक करता है। अब इसका मतलब, तफरीक करने का मतलब यहाँ क्या होता है? तफरीक करने का मतलब है उनके दरमियान में वो क्या करता है, डिफरेंस। उन दोनों C3 और C4 के दरमियान वो क्या लेकर आता है? फर्क। उन दोनों को एक दूसरे से क्या करता है? अलग, ठीक है? तो जो C2 पाथवे है ये क्या करता है, जो C3 पाथवे है और जो C4 पाथवे है, या जो C3 पौधे और जो C4 पौधे हैं, उनको एक दूसरे से क्या करता है? अलग। किस तरह से? नाउ इसको समझने के लिए हमको दोबारा केल्विन पाथवे को याद करना पड़ेगा, और केल्विन पाथवे के अंदर जो पहला मरहला था, उस पहले मरहले में क्या हो रहा था? उस पहले मरहले को बोलते थे, यानी पहली जो स्टेप थी उस स्टेप को हम क्या कहते थे? कार्बोक्सीलेशन। और हमको याद है कि इस कार्बोक्सीलेशन के अमल में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ा जाता है। किसके साथ जोड़ा जाता है? RuBP के साथ, राइब्यूलोस 20 फॉस्फेट, ठीक है? तो पहला मरहला के साथ जोड़ा जाता है। नाउ इस मरहले को, इस काम को अंजाम देने वाला एंजाइम का नाम क्या था? रुबिस्को, याद आ रहा है ना? नाउ अब हम यहां कहते हैं कि जहां पर RuBP है, यानी राइबुलोज 20 फॉस्फेट है, वो कार्बन से जब मिलता है तो क्या बनाता था? 3PGA। और 3PGA की कितने साल में बनते थे? दो। 3PGA की कितने साल में बनते थे? दो साल में। और जब 3PGA के दो साल में बनते थे, तो 3PGA के दो साल में बनने के बाद उस काम को कौन अंजाम देता था? रुबिस्को। रुबिस्को मतलब एंजाइम, जिसको हमने क्या बोले थे? RuBP, दैट इज राइबुलोज 20 फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, याद आ रहा है? हमने लास्ट लेक्चर में ये बात किए थे। आयशा बेटा, आपका माइक चालू हो गया, उसको बंद करो। आयशा बेटा, आपका कैमरा चालू हो गया, उसको बंद करो। बंद कर के कैमरा कितने चालू हो रहा है मेरा? बेटा आपका कैमरा बंद करो ना। बात समझ में आ रही है? क्या हो गया कि रुबिस्को एंजाइम क्या करता है? RuBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है, जिसके नतीजे में 3PGA के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? दो। और उस काम को अंजाम देने वाला जो एंजाइम है, जो खामिरा है, उसका नाम क्या है? रुबिस्को, राइबुलोज 20 फॉस्फेट कार्बोक्सी ऑक्सीजिनेज, याद आ रहा है?
तो ये रिएक्शन में आरयूबीपी, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा, उसके वजह से क्या बनेंगे, 3PGA। नाउ एक बात कल मैंने बोला था कि जो रूबिस्को एंजाइम है ये दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम कहां मौजूद होता है? पौधों में। पौधों में भी कहां मौजूद होता है? पत्तों में। तो एक पौधे के पास कितने पत्ते होते हैं? कई सारे पत्ते होते हैं। तो पूरी दुनिया में ऐसे कितने पौधे होंगे और उन पौधों में कितने पत्ते होंगे? इसका मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एंजाइम कौन है? रूबिस्को, क्योंकि पत्तों में मौजूद होता है। पत्तों में कई सारे मेसोफिल सेल होते हैं, तो हर मेसोफिल सेल में होगा। फिर पत्तों में कई सारे बंडल शीट सेल होते हैं, वहां पर भी ये मौजूद होता है। तो इस तरह से कई सारे इसीलिए इस एंजाइम का जो नंबर है दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। नाउ अब इसके जो नाम है रूबिस्को, इस हिसाब से इसकी एक खासियत है। इसकी क्या खासियत है? इसके पास दो एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट का मतलब क्या होता है? ऐसी साइट जहां पर आके बाइंड होगा, जहां पर आके कोई चीज ज्वाइन होगी। जैसा हमारा, अगर हम ये बोले कि खाना है हमको, तो खाने के लिए हमारे जिस्म में एक्टिव साइट कौन है? हमारा मुंह। अगर आपको कुछ खाना है, रसगुल्ला भी खाना है, तो कहां जाएगा? मुंह से जाएगा। गुलाब जामुन खाना है तो मुंह से जाएगा। तो एक्टिव साइट कौन होगी? मुंह। वैसे ही इस एंजाइम की एक्टिव साइट, तो इस एंजाइम के पास दो चीजें जाने वाली है, तो दो चीजों के लिए इसके पास दो एक्टिव साइट है। एक एक्टिव साइट है जिसके ऊपर कौन जाके बाइंड होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एक्टिव साइट कौन है? जिसके ऊपर? ऑक्सीजन। तो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर ये रूबिस्को एंजाइम है, तो इस रूबिस्को एंजाइम के पास एक जगह पर आके कौन बाइंड होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी जगह पर आके कौन बाइंड होगा? ऑक्सीजन। इसका मतलब इसके पास कितनी एक्टिव साइट है? इसके पास दो एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट का मतलब क्या होता है? एक्टिव साइट का मतलब होता है वो जगह जहां पर सब्सट्रेट आकर बाइंड होता है। ठीक है ना। अब उसके बाद एक और चीज कि क्या बात मुमकिन है, हम मतलब ये दोनों में से वो किसको यूज करेगा या दोनों में से किसका इस्तेमाल करेगा? तो रूबिस्को का जो मिलान है, यानी रूबिस्को का जो अट्रैक्शन है, रूबिस्को का जो एफिनिटी है, वो ऑक्सीजन के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ बहुत ज्यादा होती है। यानी अगर ये रूबिस्को एंजाइम अगर आ गया, ठीक है, ये रूबिस्को अगर एंजाइम आ गया और इस रूबिस्को एंजाइम के सामने एक तरफ कौन मौजूद है? ऑक्सीजन, और दूसरी जगह कौन मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो झुकाव है वो झुकाव ज्यादातर किसकी जानिब होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इसका जो झुकाव है या इसका जो मिलान है या इसका जो अट्रैक्शन है, और सबसे अच्छा लफ्ज जो बोला जाता है वो है एफिनिटी। ठीक है, तो वो ज्यादातर किधर अट्रैक्ट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा, एक एक कार्बन को जोड़ेगा, इस तरह से 3PGA बनेगा, तीन कार्बन वाला एक कंपाउंड। इस तरह से दो बना देगा तो कितने बन गए? तीन कार्बन वाले दो कंपाउंड, और उन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? छह कार्बन वाला। कौन है छह कार्बन वाला? ग्लूकोज। ठीक है ना। इसलिए ये बात कयास की जाती है कि ये जो मिलान है, ये जो झुकाव है, इसको बोला जाता है कॉम्पिटिटिव बहम आजमा। क्या बोला जा रहा है? बहम आजमा, यानी इसको क्या बोला जा रहा है? कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन। कॉम्पिटिटिव इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन का मतलब कहते हैं कॉम्पिटिशन, हम किसको बोलते हैं? मुकाबले को। दो चीज रहेगी, उनके बीच में क्या चलेगा? मुकाबला। इसका मतलब यहां दो चीज कौन है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों के बीच में मुकाबला चलेगा कि वो किससे जाके, किससे जाके? रूबिस्को से, कि रूबिस्को से जाके कौन बाइंड होगा। तो जिसकी मिकदार ज्यादा वो रूबिस्को को जाके बाइंड हो जाएगा, जिसकी मिकदार कम वो रूबिस्को को बाइंड नहीं हो सकेगा। इसका मतलब दोनों के बीच में क्या चलेगा? मुकाबला, कॉम्पिटिशन। इसीलिए उसको बोला जाता है कॉम्पिटिटिव अट्रैक्शन या कॉम्पिटिटिव एफिनिटी। और इसका जो फैसला होता है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से कौन खामरे से जुड़ेगा, तो इन दोनों का निस्बती इर्तिकाज होता है। इर्तिकाज का मतलब क्या होता है? इर्तिकाज का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। अपने इर्तिकाज वही नहीं, इर्तिकाज का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। या इर्तिकाज का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो जाके किससे जुड़ जाएगा? रूबिस्को। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो जुड़ेगा, अगर ऑक्सीजन की ज्यादा है तो वो जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि ये जो एंजाइम है, इसके बाद दोनों भी जुड़ सकते हैं, ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जुड़ सकती है।
आप दावत में आपको रसगुल्ला भी मिल सकता है, गुलाबी जामुन भी मिल सकता है, लेकिन दोनों के मिलने की प्रोबेबिलिटी किस पर डिपेंड है? जो ज्यादा है, गुलाबी जामुन ज्यादा है तो आपको गुलाबी जामुन मिलेगा, अगर रसगुल्ला ज्यादा है तो वैसे ही ऑक्सीजन अगर ज्यादा है तो रूबिस को कौन जाके बाइंड होगा? ऑक्सीजन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन दोनों के बीच में कौन सा कॉम्पिटिशन, दोनों के बीच में मुकाबला चल रहा है, कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो उसको बोला जाता है कॉम्पिटेटिव अट्रैक्शन। याद रहेगा। नाउ अब एक और बात, एक और कंसेप्ट है जिसको शायद इन्होंने आगे एक्सप्लेन किया, डायग्राम में यहां पर ऐड किया है, अगर वो आता है तो हम पीछे वापस जाके डायग्राम में उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहां तक बात समझ में आई कि जो रूबिस्को एंजाइम है उस रूबिस्को एंजाइम के अंदर अट्रैक्शन है साथ भी और रसगुल्ले के साथ। एग्जाम्पल दिया था दीवाने हो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ अब C3 पौधों में बात करते हैं तो C3 पौधों में जो ऑक्सीजन है वो रूबिस्को से किसी हद तक जुड़ी होती है। कौन से वाले पौधे की बात हो रही है? C3 पौधे की बात हो रही है जहां पर रूबिस्को से कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड की तस्बीत में क्या होती है वहां पर? कमी वाकई होती है। बात को थोड़ा समझो, आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इसको। फिर यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो RUBP है वो PGA के 2 सालमों में तब्दील होगा, लेकिन वो 3 PGA सालमे में तब्दील होने के बजाय ऑक्सीजन से मिलकर सिर्फ 1 सालमा बनाता है। C3 पौधों में क्या हो रहा है यहां पर? C3 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन होता है वो रूबिस्को से जुड़ा होता है। क्यों जुड़ा हुआ होगा? उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए अट्रैक्शन भी ज्यादा है। नतीजे में यह होगा कि अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ना चाहिए उसकी क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी फिर? कम, क्योंकि ज्यादा कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। नतीजे में यह होगा कि जो RUBP है उस RUBP को सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो भी मिलेगा वो कम मिलेगा, नतीजे में वो 3 PGA के 2 सालमे के बजाय 1 ही बना पाएगा। खवा कम मिला तो गुलाब जामुन भी कम बनेंगे ना, तो वैसे ही यहां पर PGA के 2 सालमे के बजाय सिर्फ क्या बनेगा? 1। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जगह जा जाके कौन बाइंड हो जा रहा है? ऑक्सीजन। नतीजे में अब वो RUBP को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही तो वो 3 PGA बना पाएगा क्या? अब जितनी मिल रही है उतने में वो काम कर रहा है तो कम बन रहा है, जितना तुमने खवा दिया उतना ही बनेगा ना, तो नंबर क्या हो गए? क्या बदमाश लोग हैं, रास्ते है तुम लोग, इसलिए मैं एग्जाम्पल देता है नहीं। तो सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाएगा वहां पर? वो क्या हो जाएगा? कम ना हो। अब इसको याद रखो, इस पाथवे में होता क्या है? इस पाथवे में फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है। क्या बनता है इस पाथवे में? इससे पहले हमने फॉस्फोग्लाइकोलेट कहीं पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? फॉस्फोइनाइल पाइरूवेट, C4 बाद में पढ़ा ना, याद आ रहा है? इससे पहले फिर हमने कहा 3 PGA, 3 PGA का मतलब कौन है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। लेकिन ये तो नया मॉलिक्यूल बन गया, कौन? फॉस्फोग्लाइकोलेट। इसका मतलब ये है कि अगर रूबिस्को एंजाइम के साथ ऑक्सीजन अगर जुड़ता है तो एक और नया मॉलिक्यूल बनता है, वो कौन है? फॉस्फोग्लाइकोलेट। इसी को बोला जाता है जीआई तनफुस। क्या बोला जाता है इसको? जीआई तनफुस, यानी बनने के बजाय टूट रहा है। अब बात को समझो, अब ये जो प्रोसेस होता है इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि 3 बातें यहां पर आना है। जो जीआई तनफुस के पाथवे है उसमें शकर यानी ग्लूकोज और ATP की तालीफ नहीं होती। अब तक के जो भी प्रोसेस थे उस प्रोसेस में जो ATP है वो कहीं ना किसी ना किसी लेवल पर क्या हो रहा था? बन रहा था। लेकिन जीआई तनफुस का पाथवे यानी फोटो रेस्पिरेशन का पाथवे ऐसा पाथवे जिसमें हमको ग्लूकोज भी नहीं मिल रही है। C3 पाथवे में कहीं ग्लूकोज मिलता था, C4 पाथवे में ग्लूकोज मिलता था, लेकिन यहां पर ग्लूकोज नहीं मिल रही है, प्लस ATP की तालीफ भी। उल्टा यहां पर ATP का क्या हो रहा है? इस्तेमाल, और इस्तेमाल करके वो किसको खारिज कर रहा है? जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके कुछ ग्लूकोज बनाना चाहिए था उसके बजाय कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जा रहा है? खारिज किया जा रहा है। फिर इस पाथवे में जो ATP होता है और NADPH होता है उसकी तालीफ नहीं होती। इसका मतलब यहां पर कीमियाई तवानाई बनने का अमल नहीं होता, इसलिए जीआई तनफुस एक फजूल अमल है। फजूल अमल क्यों है? क्योंकि ये अमल हो तो रहा है लेकिन इस अमल की वजह से असल में फोटोसिंथेसिस से जो हासिल
या जो हासिलात है या जो प्रोडक्ट हमको मिलना चाहिए वो इस पाथवे के जरिए नहीं मिल रहा, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, फजूल पाथवे। उल्टा मिल तो नहीं रहे लेकिन उल्टा खर्च हो रहा है, एटीपी भी खर्च हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी खर्च हो। अब सवाल ये आता है कि पौधे ऐसा अमल क्यों करते हैं, क्यों वो ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसके पीछे क्या रीजन होगा जो पौधों ने अपने अंदर ये तब्दीली लेकर आई। ठीक है, अब उसको हम आगे समझने वाले। एक एक और चीज समझ लीजिए कि जो जियाई तनफुज होता है सी फोर पौधों में, तो हम कह रहे कि सी फोर पौधों में जियाई तनफुज का अमल नहीं होता, क्यों, क्योंकि इनमें एक निजाम होता है। वो निजाम क्या होता है, उस निजाम के अंदर ये होता है कि जो खामरे है उस खामरे की जगह कार्बन डाइऑक्साइड का इर्तिकास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वहां पर एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ गई, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो गई, इसका मतलब अब फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा क्या इनके पास, नहीं, इनके पास क्या बनता रहेगा फिर, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी आपने खवा ज्यादा दे दी तो गुलाबी जामुन ही बनेंगे ना, रवा ज्यादा दे दिए तो पपड़ी बनेगी। तो यहां पर आपने क्या दिए, खवा मत बोलना मुझे, एकदम कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर ज्यादा दिए, जिसके नतीजे में यहां पर क्या बनना शुरू हो जाएगी, 3PGA 3-phosphoglyceric acid। ये कब होता है, ये उस वक्त होता है जब मेसोफिल से हासिल शुदा C4 तुरशे यानी C4 बंडल के खलियों में टूट कर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, खारिज करते हैं। नतीजे में क्या होता है, खलियों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड करते का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लिहाजा रूबिस को खामरा क्या करेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेगा और ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन वाली एक्टिविटी अब उसकी क्या हो गई, कम, यानी कार्बोक्सिलेशन वाली एक्टिविटी ज्यादा हो गई, ऑक्सीजनेज वाली एक्टिविटी क्या हो गई, कम, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने का काम ज्यादा करेगा बनिस्बत ऑक्सीजन यानी तोड़ने के। ये कार्बोक्सिलेज की हैसियत से क्या करता है, फिर वहां पर अमल करना शुरू कर देता है। इसका मतलब C3 पौधों के अंदर ये कंडीशन होती है कि उनको अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। C4 पौधों में स्पेशल मैकेनिज्म है, स्पेशल तरीका है, वो कौन है, बंडल शीट सेल, जिसकी वजह से होता यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी और ऑक्सीजन के लिए रूबिस को एंजाइम क्या करना शुरू कर देता है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी और C4 पाथवे में भी कार्बोक्सिलेज, तो इसकी वजह से यहां पर प्रोडक्ट बनेगा और यहां पर कोई। अब जब मालूम हुई कौन सी कि C4 पौधों में होता है, ये समझना आसान हो गया क्या कि इन पौधों में पैदावार, यानी हमारे पास C3 पौधे और C4 पौधों में अगर पैदावार की बात करें तो ज्यादा अच्छी पैदावार किसमें हो रही है, C4 में, क्यों हो रही है, उसका रीजन उनके अंदर जो जियाई तनफुज है वो जियाई तनफुज का अमल उनके अंदर क्या होता है, लेस होता है, कम होता है। क्या होता है, ये जो लेस लिखा है ना इसका मतलब क्या होता है, कम होता है, जिसके नतीजे में पैदावार ज्यादा होगी। क्यों पैदावार ज्यादा होगी, प्रोडक्ट मिल रहा है, पहले वाले में क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही थी, ग्लूकोज बनी नहीं रही थी, दूसरे वादे में ज्यादा बनेगी। नाउ इसके अलावा इन पौधों में ज्यादा दर्जे हरारत को बर्दाश्त करने की भी क्या होती है, सलाहियत होती है। नाउ अब एक और बात को जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि यहां पर दो बातें जो नहीं आई, जिसका मेरे को बार बार दो बातें नहीं आई, वो कौन सी है, जियाई तालीफ का अमल होता है, इस सॉरी जियाई तनफुस का जो अमल होता है, ये जियाई तनफुस का अमल कहां पर होता है, जियाई तनफुस का जब अमल स्टार्ट होता है पत्तों के अंदर तो उसके अंदर तीन ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं। एक ऑर्गेनल कौन है, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ऑर्गेनल कौन है, पेरोक्सिसोम, और तीसरा ऑर्गेनल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब ये हो गया कि जो C2 पाथवे है वो C2 पाथवे जब भी खलियों के अंदर होगा या पत्तों के अंदर होगा तो वो कितने वाले, कितने ऑर्गेनल के अंदर होगा, कितने अजूचों के अंदर होगा, तो तीन अजूचों में होगा। पहला वाला अजूचा कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा वाला अजूचा कौन है, पर ऑक्सीजोम, और तीसरा अजूचा कौन है, क्लोरोप्लास्ट। अब ये सीक्वेंस मैंने थोड़ी सी ऊपर नीचे कर दिया लेकिन आपने याद रखना है कि यहां पर तीन अजूचे हैं, कौन कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, पर ऑक्सीजोम और क्लोरोप्लास्ट।
अब जो भी अमल होता है वो कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट से स्टार्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट में अब अगर सी थ्री पाथवे की अगर हम बात करते हैं तो सी थ्री पाथवे में क्या होता है, ऑक्सीजन आरयूबीपी के साथ बाइंड होगा, नतीजे में थ्री पीजी है, लेकिन साथ में क्या बनेगा, फास्फोग्लाइकोलेट। ये फास्फोग्लाइकोलेट का तब्दीली होगी ग्लाइकोलेट, इस तरह से वो जाके शिफ्ट किसमें हो जाएगा, पेरोक्सीसोम। फिर यहां पर ये ग्लाइसिन के फॉर्म में कहां पर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लाइसिन गया उसको तोड़कर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और सीरीन। इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर क्या हो गई, खारिज। इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने मेहनत से लाए थे वो यहां पर क्या हो गई, बेकार, फजूल में क्या हो गई, खर्च हो गई। एक अब जो सीरीन रहेगा वो सीरीन वापस एक ग्लिसरेट के फॉर्म में आएगा, और थ्री पीजीए को जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगी तो थ्री पीजीए के फॉर्म में वो फिर दोबारा किसमें इन्वॉल्व हो गया, सी थ्री पाथवे में। दोबारा आपको क्या मिलने वाली है, शुगर। लेकिन इस शुगर बनने के चक्कर के अमल में प्रोबिस्को की वजह से आपको एक तो एटीपी भी एक्स्ट्रा लग गई, एटीपी का भी नुकसान हो गया, प्लस किसका नुकसान हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए हमने कहा कि सी थ्री पाथवे की केस में अगर बात करते तो ये जो अमल है ये बेकार अमल है, इसका कोई हासिल उल्टा इसका क्या है, नुकसान। लेकिन जब हम बात करते हैं सी फोर पौधों में तो सी फोर पौधों में ये फोटो रेस्पिरेशन का अमल या जियाई तनफुस का अमल नहीं हो रहा है, नहीं होने की वजह से, जियाई नहीं होने की वजह से सी फोर पौधों के अंदर पैदावार प्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। बात क्लियर हुई। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सी टू पाथवे या जो फोटो रेस्पिरेशन है वो कितने ऑर्गेनल में होता है, तीन, कौन कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम और क्लोरोप्लास्ट। ना अभी यहां पर है ना, देखिए इनके बीच में कंपैरिजन है, किसके बीच में कंपैरिजन है, सी थ्री में और सी फोर में। तो हमको क्या करना है, ये एक वन 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 लाइन पढ़ते जाना है और उनको यहां पर क्या करते जाना है, फिल करते जाना है। क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल खलियों की किस्म जिनमें कैल्वन दौर होता है, तो सी थ्री पाथवे की बात करें तो किसमें होती है, मीजोफिल, और सी फोर की बात करें तो बंडलशील, बराबर। उनको यहां पर हमको लिखना है। इसी तरह के खलियों की किस्म जिनमें कार्बोक्सिलेशन की इब्तदाई अमल होते हैं, तो अगर बात करें तो इनमें क्या होता है, मीजोफिल, और इनमें क्या होता है, बंडलशील। फिर खलियों की कितनी अकसाम है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की तस्वीर होती है, एक है बंडल शीट और मीजोफिल, दूसरा है मीजोफिल, तीन है बंडल शीट, प्लेसेट, स्पंजी, मीजो। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर सी थ्री की बात करें तो उसमें कहां होता है, मीजोफिल, लेकिन अगर सी फोर की बात करें तो मीजोफिल। और तो इस तरह से आपने क्या करना है, वन बाय वन इसके अंदर जितने भी सवाल आते हैं उनके जवाब को अच्छी तरह से फिल करना है, लिखना है। ये बहुत अहम चार्ट है और ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क है, ठीक है। कल हमने बहुत सिस्टमेटिक किया, इब्तदाई कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन होता है, तो यहाँ पर दिया आर यू बी पी, दूसरा है पीईपी, और तो ना पीजीए। तो हमने कहा कि एक्सेप्टर कौन होता है, आरयूबीपी, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, वन बाय वन यहाँ पर लिखते जाना है। इब्तदाई एक्सेप्टर में कार्बन की तादाद कितनी होती है, पांच। क्यों, कल मैंने बोला था राइबोलोज, राइबोलोज कितने कार्बन से बना होता है, पांच कार्बन से। तो इस तरह से यहाँ वन बाय वन सारे सवाल के जवाब आप लिखिए, इंशाल्लाह आपको ये जो पॉइंट है इन चार्ट को सॉल्व करने की वजह से, हल करने की वजह से, दोनों भी बातें सी थ्री पाथवे भी और सी फोर पाथवे भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। आफिया गाजिया, ठीक, गाजिया ने शायद कल के लेक्चर देखे नहीं होंगे, तो कल के लेक्चर भी एक मरतबा बेटा देख लेना ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए, ठीक है, ठीक। नाउ मैं ये लिंक कट कर रहा हूं, दोबारा चालू कर रहा हूं, आपने दोबारा ज्वाइन करना है। और अगर ये चार्ट नहीं दिख रहा होगा तो मैं ग्रुप में इसकी फोटो लेके आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है।